नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज समय के साथ काफी ज्यादा बढ़ गया है। आज 25 से 30% व्यक्ति इससे ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में दो मुख्य प्रकार के होते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को कंट्रोल ना किया गया तो ये धीरे धीरे जाके सिरोसिस या लीवर कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। अगर सिरोसिस हो जाता है तो लीवर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन रहता है। बट अच्छी बात यह है कि फैटी लीवर बिल्कुल भी रिवर्सिबल है और इसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और हम इसको बिल्कुल आराम से कुछ डाइट के द्वारा वापस रिवर्स कर सकते हैं। फैटी लीवर होता क्यों है? अगर आपकी डाइट ज़्यादा है, आपकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा है, आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, आपके खाने में शुगर की मात्रा ज़्यादा है जिसके अंदर ग्लूकोज या फ्रक्टोज होता है, तो आपके अंदर फैटी लीवर हो सकता है। अगर हम कुछ फ्रक्टोज लेते हैं, खासकर फ्रक्टोज सिरप में, कॉर्न सिरप में, तो वो डायरेक्ट लीवर के अंदर जाके वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या फैट जमा हो जाता है। अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो ये ग्लूकोज भी लीवर में जाके ट्राइग्लिसराइड रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इंसुलिन रेजिस्टेंस से पीड़ित है, ग्रसित है, तो उसके अंदर भी जो फैट सेल्स हैं उनके अंदर फैट का ब्रेकडाउन होने लगता है और वहां से ही फैटी एसिड्स निकल के लीवर में पहुंच जाते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण लीवर फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर के आमतौर पे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। फैटी लीवर बहुत बार किसी अन्य कारण से सोनोग्राफी किया जाए तो उसमें फैटी लीवर दिखता है। किन्हीं व्यक्तियों में थकान, सुस्ती, कमजोरी होना इसके लक्षण हो सकते हैं, और बहुत कम पेशेंट्स में ये पेट के राइट साइड में ऊपर थोड़ा सा दर्द कर सकता है। ब्लड टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है इसके लिए, वो भी काफी बार बिल्कुल भी नॉर्मल हो सकते हैं, या जो लीवर टेस्ट होते हैं उसके अंदर SGPT, SGOT होता है, वो कुछ रूप से बड़े हो सकते हैं। अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल है तो भी आप फैटी लीवर से ग्रसित हो सकते हैं। फैटी लीवर आमतौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम के साथ देखा जाता है। व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है, पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल हो सकते हैं और वजन ज्यादा हो सकता है। फैटी लीवर डायग्नोसिस करने के लिए सोनोग्राफी एक प्रमुख उपकरण है। सोनोग्राफी में लीवर के ऊपर चर्बी जमा है वो मालूम पड़ जाता है। सोनोग्राफी साथ एक ही समस्या है कि वो काफी ज्यादा ऑपरेटर डिपेंडेंट है। हो सकता है किसी रेडियोलॉजिस्ट को आपका लीवर नॉर्मल लगे, किसी रेडियोलॉजिस्ट को वहां पे चर्बी जमा हुआ या फैटी लीवर भी दिख सकता है। एक और टेस्ट अभी के दिनों में काफी पॉपुलर है, जिसे हम फाइब्रो स्कैन कहते हैं। इसमें हम साउंड वेव्स भेज के लीवर के ऊपर फैट कितना जमा है, लीवर स्टिफ कितना है, वो मालूम चलता है। अगर आपका फैट जमा है तो आपका जो वैल्यूज है वो 238 से ज्यादा रहता है, और आपके अंदर अगर स्टिफनेस है तो 7 से ऊपर ज्यादा स्कोर रहता है। अब हम जानेंगे अगर किसी व्यक्ति को फैटी लीवर है तो उसे वो आगे और ज्यादा नुकसान होने से कैसे रोक सकता है और कैसे रिवर्स कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि फैटी लीवर बिल्कुल भी रिवर्सिबल है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहें, अल्कोहल अवॉइड करें। कुछ लीवर की समस्याएं हेपेटाइटिस ए या बी से भी हो सकती है, तो उसके लिए अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो वैक्सीन लें। अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर को बिल्कुल कंट्रोल रखें, टाइट कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आप कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं, तो उसको भी आप अच्छे से कंट्रोल में रखें, उसका ट्रीटमेंट चालू रखें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वजन, बॉडी वेट मेंटेन रखें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो एटलीस्ट 5 से 10% अपना वेट आप कम करें। इसके लिए जरूरी है 150 मिनट हफ्ते में एक्सरसाइज करें और साथ में कुछ वेट ट्रेनिंग भी करें। एरोबिक एक्सरसाइज एडवाइजेबल है, जिसमें आप
स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, गार्डनिंग, डांसिंग भी कर सकते हैं। वेट को कैसे भी करके आपको कम लाना है और वेट कम आने के बाद उसको मेंटेन रखना है। आपका डाइट जो है वो एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम होनी चाहिए, पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगर से भरी हुई चीजें, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। भजिया, पकौड़े, कबाब्स, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं मार्केट से तो उसमें शुगर कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट चेक करें। अगर उसकी मात्रा ज्यादा है या उसमें इंक्लूडेड है तो आपको डाइट से निकालना है। सबसे डेंजरस शुगरी ड्रिंक है, जिसे एनर्जी ड्रिंक के रूप में मार्केट किया जाता है, जिसे हेल्दी ड्रिंक के रूप में मार्केट किया जाता है, या हेल्दी पैकेज जूस है उसके अंदर भी शुगर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। इन सारी चीजों को आपको डाइट से बिल्कुल ही निकाल देना है। ओमेगा फैटी एसिड्स एंटी इंफ्लेमेटरी है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। आप इसको कैप्सूल के रूप में भी सुबह शाम ले सकते हैं। किन्हीं चीजों में ओमेगा फैटी एसिड्स होता है, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, फैटी फिश हो गए जैसे टूना, सार्डाइंस, ये सब में काफी अच्छे मात्रा में ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स होता है। अगर आपको नैश है, जो फैटी लीवर के आगे का स्टेज है, और साथ में डायबिटीज है, तो डायबिटीज के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलके GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट या पायोग्लुटाजोन के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको नैश है और आपको डायबिटीज नहीं है तो अपने डॉक्टर से मिलके आप विटामिन ई भी शुरुआत कर सकते हैं। 800 मिलीग्राम एक दिन तक आप ले सकते हैं विटामिन ई। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति को हम विटामिन ई दें उसे या उसे घर में किसी को प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क या हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये हेल्थ कंटेंट संबंधित YouTube चैनल पसंद आता है, अच्छा लगता है, और आपको ऐसा लगता है कि हम आपके काम में आ रहे हैं, आप हम आपके जीवन शैली को कुछ परिवर्तन दे रहे हैं, एक अच्छी दिशा दे रहे हैं, तो आप कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें, सो दैट कि जब कुछ नया वीडियो आए तो आपको तुरंत ज्ञात हो सके। धन्यवाद।